नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सी सिंपल सी नेक के डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। यहाँ पर हमने इस स्लीव को कट किया हुआ है और सेंटर के भाग से हम इसमें एक मार्क देंगे। इस तरह से ये सेंटर का भाग है और इसके दोनों साइड में हमें पिनटक्स लेने हैं। बहुत क्लोज में दो पिनटक्स ही लेंगे इस लाइन के दोनों साइड में। इस तरह से एक पिनटक होने के बाद हम दूसरा पिन टक्स लेंगे, ये दूसरा। सेंटर की इस लाइन से दूसरी साइड में हमें वापस ही दो पिन टक्स और लेने हैं। इस तरह से ये सेंटर की लाइन के दोनों साइड में हमने ये पिनटक्स ले लिए हैं और इन्हें यहाँ सेट करेंगे आयरन से। अभी हमने ये पेपर कैनवास लिया है और ये हम यहाँ फोल्डेड भाग से 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे के हिस्से में 1-1 इंच तक इस तरह से ये सीधे लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हम 5.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये इस तरह से जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसे हमें कट कर देना है। सेंटर से इसे कट नहीं करेंगे हम, सिर्फ 5.5 इंच तक एक मार्क कर देना है इसकी सेंटर का। इस तरह से ये सीधा हम मार्क कर देंगे। इसे हमने फैब्रिक पे पेस्ट किया है और इन दोनों किनारों पे हम एक कट देंगे और यहाँ से हमें पट्टी को ये टर्न करके इसके ऊपर सिलाई लेनी है। ये सिलाई हो गई है। अभी यहाँ हमें स्लीव के ऊपर इसे रखना है। सेंटर की जो ये लाइन है ये 5.5 इंच तक इसे हम डार्क करेंगे और स्लीव की राइट साइड में हम इसे प्लेस करेंगे। जो सेंटर का हिस्सा है उसे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें ये यहाँ से सिलाई शुरू करनी है कैनवास के पास पास। और सेंटर पे जो आएंगे, जो हमारी लाइन है उस लाइन के दोनों साइड में हमारी सिलाई आएगी। तो अभी लाइन के एक साइड में सिलाई आई, फिर हम थोड़ा सा लाइन को क्रॉस करते हुए दूसरी साइड में जाएंगे और उसके जस्ट पास में ये सिलाई लेनी है। इस तरह से ये हमें यहाँ वापस कैनवास पे सिलाई लेनी है। थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे और जो हमारा ये सेंटर में सिलाई है उसकी जस्ट पास पास में से ये कट देना है। ऊपर दोनों कट देने हैं, सिलाई पे कटना है ये ध्यान रखते हुए। और यहाँ से कॉर्नर्स को भी कट कर देंगे और फिर इस पट्टी को हमें रॉन्ग साइड में टर्न करना है। इसके बाद इसकी यहाँ पर एक कच्ची सिलाई देनी है ताकि ये स्ट्रिप यहाँ पर बैठ जाए। इस तरह से इसकी यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है। फिर यहाँ पर नीचे से हम 1.5 इंच तक इतना हम मार्क करेंगे और एक स्ट्रिप लेनी है। इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ इस मार्क के नीचे इस तरह से रखना है और फिर यहाँ से हम सिलाई लेंगे। एक साइड में सिलाई होने के बाद दूसरी साइड में आएंगे और फिर यहाँ पर ये स्क्वायर के पीसेस लेने हैं हमें, जिनका हम ये ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल इनके नीचे दबा देना है, फिर हम सिलाई लेंगे। आप चाहें तो पहले ही ट्रायंगल रेडी करके उसके बाद में यहाँ प्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ बिना स्टिच किए इसके बीच में इस तरह से प्लेस कर रही हूँ और उसके बाद में इसके ऊपर हम सिलाई लेंगे।
तो ये दोनों साइड से लॉक हो जाएगा और ये सिर्फ ट्राइंगल्स यहाँ पर रहेंगे। अभी यहाँ पर देखिए ये ट्राइंगल्स भी अटैच हो गए हैं और ये दोनों साइड से लॉक हो गया है। और नीचे का हिस्सा थोड़ा कट वाला रहेगा, हमने ये कट रखना है स्लीव में। ये एल्बो लेंथ तक की हमारी स्लीव है और ये हमारी डिज़ाइन बन के रेडी है। इसके बीच में हमने कुछ बीड्स इस तरह से स्टिच किए हैं और हमारी ये सुंदर सी सिंपल सी स्लीव की डिज़ाइन बन के रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आगे और वीडियोस देखने के लिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।